सबसे पहले मेरे साथ बोलिए तो सही, श्री माता वैष्णो देवी की जय। राजस्थान संग उत्तर भारत वैष्णो देवी ट्रेन यात्रा, राजस्थान हो गया, उत्तर भारत हो गया और वैष्णो देवी के दर्शन भी हो गए। अब यहाँ से सफरनामा, हमारी जर्नी चली बैक टू पुणे। आज की डेट हो गई 8 जुलाई, करंट वक्त अराउंड दिस इज 5:30 शाम के, डिपार्चर टाइम बताया गया है शाम का कुछ अराउंड 7 o'clock। आज के दिन आपको बता दूँ, IRCTC की तरफ से सुबह ब्रेकफास्ट दिया गया, हलवा और चने दिए गए, फिर लंच का भी गेस्ट के लिए अरेंजमेंट किया गया। अब यहाँ से हम चले वापस बैक टू पुणे। सोचिए 11 दिन कहाँ निकले पता ही नहीं चला। अब मैं आपको एक ट्रेन जर्नी और दिखा रहा हूँ। दिस इज़ व्लॉग नंबर 9 एंड द लास्ट व्लॉग फ्रॉम दिस उत्तर भारत गौरव सीरीज। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितने व्लॉग्स आप देखना चाहें। अगर आप देखोगे, व्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं कटरा के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। ट्रेन को ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर लगा दिया गया है और पैरों में जान सच दारा पैरों में जान नहीं बची है। अगर आप माता वैष्णो देवी के ट्रिप प्लान कर रहे हैं, इससे पहले वाला व्लॉग देखिएगा ज़रूर, उसमें मैंने आपको सब डिटेल्स बताई हैं। शुरू करें यार, देखो आपको स्टाइल बता दो, ऐसे नहीं, अगले कुछ टाइम के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं #IndianRailways के साथ। कटरा में आज भी हल्का हल्का वेदर ख़राब और आज भी हेलीकॉप्टर नहीं चल रहे, तो जब भी आप आ रहे हैं यहाँ ध्यान रखें। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। देखो इसका आपको ये और दिखा दूँ, भारत गौरव का ये हो गया पेंट्री कार कोच, जिसमें सब फ्रेश, खाना पूरा सब कुछ हमारा यहाँ पर बनाया जाता है। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ इस वाले धमाकेदार लास्ट व्लॉग की शुरुआत करते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। मैंने आपको सेकंड एसी का इंटीरियर दिखा दिया, थर्ड एसी का दिखा दिया, बिकॉज ये लास्ट व्लॉग है। मैंने सोचा चलिए आपको स्लीपर का और दिखाएं, तो अगर आपको ये वाला कोच दिखाऊं, दिस इज S6। हमारे संग ललित भाई मौजूद हैं, ये इस वाले कोच के एस्कॉर्ट मैनेजर हैं। तो इसमें जितने भी पैसेंजर्स हैं, आई गेस 72, इनकी जिम्मेदारी 72 पैसेंजर्स को हैंडल करना। आपके लिए एक इंटीरियर, ज़्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखिएगा, वही यहाँ के आपके वॉशरूम वगैरह हो गए सब कुछ, ठीक है। आई गेस 4 या 5 इसमें स्लीपर कोचेज है, आप ये देख लीजिएगा, सब पैसेंजर्स यहाँ पर ऑन बोर्ड। आपको बता दूँ 5 कोच पूरी तरह से फुल। काका जर्नी कसी जाली बरोबर, मज़ा आला, दर्शन कसे जाले, दर्शन छान होता ना, हाँ ये हुई ना कुछ बात। चलिए एक स्लीपर आपका टूर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये सब कुछ ठीक है ना। चलिए अभी बैक टू पुणे, हाँ अभी वापस पूरे चलेंगे। देखो पूरा आपको मैंने सोचा, चलिए एक इंटीरियर दिखा दूँ। अभी कुछ पैसेंजर्स अभी भी ऑन बोर्ड आते हुए यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसा आपको होता है फेयर्स में, मैंने आपको कॉस्ट्यूम वगैरह पहले ही बता दिया। यस, 2 मिनट बैठ जाइएगा जी, थैंक यू। वैष्णो देवी से दर्शन जाले बरोबर, काकी दर्शन जाले ना। ट्रिप कैसा होता, मज़ा आया ना? हाँ 11 दिन का ट्रिप, मज़ा आ गया, पैसा वसूल हो गया कि नहीं हुआ? खाने को मे बी नेक्स्ट ट्रिप में वो भी और भी अच्छा करेंगे, होपफुली। यस, सब पैसेंजर्स आप यहाँ देख लीजिएगा, बस आपसे खाना, ये बिल्कुल लास्ट ट्रिप है अब। अरे अंकल आपको भी दिखाएंगे, लीजिए आपको भी दिखा, स्माइल कर दो, हाँ थोड़ा स्माइल कर दीजिए। यस, जितने आप देख लीजिए, ललित भाई हमारे संग यहाँ मौजूद हैं, पूरा इस तरफ आपको दिखा दिया और ये वॉशरूम वगैरह सब वापस आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसा आपको बताया 6 या 7 स्लीपर कोचेज आप देख लीजिए, पूरी तरह से नॉन एसी। कॉस्टिंग मैंने आपको बता दूंगा फिर से, S6 का जो आप देख रहे हो कुछ अराउंड आई गेस इसका था कितना, कुछ 19,000 रुपये पर पर्सन जो आपको मैंने चार्ज बताया। खाना पीना इसमें सब कुछ इंक्लूडेड, होटल हो गया प्लस टिकट का जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है वो सब कुछ इंक्लूडेड। पहले के व्लॉग्स देख लीजिएगा, उसमें आप पूरा देख पाओगे। तो देखो इन्होंने सबसे अच्छा ही कर दिया, हर कोच में एक एस्कॉर्ट मैनेजर है, तो आपको अगर आपको वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कुछ भी दिक्कत होगी कुछ भी होगा, आपको खाली अपने एस्कॉर्ट मैनेजर को कॉन्टैक्ट करना है। डिपार्चर में अभी लगभग आधा घंटा बाकी, मैं ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पर वॉक ही करता हूँ डिपार्चर से पहले, बट पैरों में जान नहीं बची है सीरियसली। बस यहीं फर्स्ट क्लास एसी में बैठे हुए हैं, अब यहाँ पर चाय कॉफ़ी, फीकी चाय अगर आपको चाहिए वो भी दी गई है। ग्लास अगर आप देखोगे तो ये हो गया सेफ्रॉन वंदे भारत का आज ब्रांडिंग का ग्लास मिला, अब तक ब्लू वाला मिल रहा था, आज ये ऑरेंज वाला दिया है, उसके संग बिस्किट हो गया और प्लस ज़रा वो दिखाएंगे पैकेट दिखाना, एक ये रतलामी सेब भी यहाँ पर दी गई है, ये देख लो रतलामी सेब। और आप सोचिए कटरा से आज हम निकलेंगे, कल पूरा दिन ट्रेन जर्नी है और परसों ये पहुँचेगी पूना एज पर ऑफिशियल टाइमिंग, शाम को शायद 5 बजे के आसपास, ऑफिशियल टाइमिंग करीब 5 बजे। अब लेट्स सी, बिकॉज टूरिस्ट ट्रेन है, लास्ट है, अब इंडियन रेलवे कितनी प्रायोरिटी पे निकालती है। अदरक वाली चाय एकदम कड़क दे दी, एटलीस्ट इससे तो बैटरी चार्ज होगी।
भाई साहब पेन किलर ले लिया है और रैली स्प्रे वॉलिनी वगैरह सब लगा रहे हैं सच में। यहाँ जो भी आप देखोगे ना स्टेशन पे, मतलब चल नहीं पा रहा सीरियसली। बट चाय दे दी, मज़ा आ गया। बहुत लंबी ट्रेन जर्नी है, पूरा व्लॉग देखिएगा, मज़ा आएगा। द लास्ट फेज ऑफ दिस बैक टू बैक दो भारत गौरव, इससे पहले कर्नाटका वाली की थी, अगर उसके व्लॉग्स नहीं देखे देखिएगा। अब हम चले वापसी घर, बैक टू पवेलियन, बैक टू पवेलियन। चलिए, दिस इज शार्प 7 o'clock, कटरा के SVD के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होने के लिए तैयार। ये देख लीजिएगा, फॉर द लास्ट टाइम ऑफिशियली आपको बता दूं, लास्ट टाइम डिपार्चर रिकॉर्ड करते हुए उत्तर भारत गौरव यात्रा। आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इंफोटेनमेंट। सिक्योरिटी वाइज आपको यहाँ पर CCTV कैमरा भी मिलेंगे। ये देखिए डिपार्चर आपको दिखा दें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली, आप कह लीजिए मतलब मेन हॉल्ट दिल्ली, सुबह ये ट्रेन कितने बजे पहुँचेगी और पूना कितने बजे पहुँचेगी, सबसे बड़ी बात यही है। देखो बिल्कुल 7 o'clock राइट टाइम डिपार्चर। और जब हम आए थे, यस हमारे चंद्रभान भाई एक टूर मैनेजर भाई, इनके लिए एक लाइक बनता ज़रूर है। 12 दिन लोगों के संग रहना, 52 लोगों को, 52 लोगों को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। चंद्रमान भाई आपके लिए थैंक यू सर, लाइक बनता जरूर है। थैंक यू सो मच, है ना। चलिए देख लीजिए, आ जाओ भैया थोड़ा पीछे आ जाना। और ये भी है देखो हमारे संग सिक्योरिटी गार्ड, आप ये कल सुबह चढ़ाई कर आए हैं। इनकी देखो अगर आप आँखें देखोगे, इनकी हालत कुछ ज़्यादा टाइट है। चलो पीछे आ जाओ, चलो आराम करो भैया, तुम आराम करो, ठीक है। डिपार्चर आप देख लीजिएगा, एक बार बोल दीजिए श्री माता वैष्णो देवी की। मज़ा आ गया, उम्मीद है आपने पूरी सीरीज देखी है। अगर TV पर कास्ट करके देख रहे हो तो आपकी हो गई बल्ले बल्ले। देखिएगा अब यहाँ से चले जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर आप कह लीजिए, यहाँ से चली ट्रेन महाराष्ट्र। यात्रा चल रही है करंट वक्त अराउंड 9 o'clock, दोपहर को भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, अब लगी है ज़बरदस्त भूख। और शायद A1 में सेकेंड AC में खाना यहाँ लास्ट सब होता है। सबसे पहले आपके लिए फूड नामा, ये पनीर मटर की सब्ज़ी हो गई, ये इन्होंने दाल दी है एकदम गर्मा गर्म, जैसा मैं आपसे कहता हूँ पेंट्री में बनी हुई। राइस हो गए, सैलड हो गई, यहाँ पराठे हो गए, प्लस ये पापड़ हमने कुछ ज़्यादा ही ले लिए। अचार आपको मिलेगा और मिष्ठान में आपको मिल रहा है यहाँ पर रसगुल्ला। समय पनीर सब्जी टेस्ट कैसी है? बस भाई इतनी ज़बरदस्त भूख लगी है कि पूछिए मत। दोपहर में भी लंच था, कौन सा वो भवन का नाम याद है? नारायणी भवन, वहाँ पर ISETC जितने भी गेस्ट हैं सबका, हम वहाँ गए नहीं थे बिकॉज थकान के मारे, फिर सुबह ब्रेकफास्ट दिया जैसा आपको बताया। और अब डिनर भाई साहब, खाना तो इतना ज़बरदस्त था ना, बिल्कुल जम्मू तवी के आउटर पे ट्रेन को रोक दिया। लगभग 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आप पहले डिनर एंजॉय करने दीजिए। देखो खाना पीना आप देखिए कितना ज़बरदस्त है, जो प्रेजेंटेशन है ना, प्लेट देते हैं ये ऐसा ही देते हैं रखने को। और खाइए अनलिमिटेड, जैसा आपसे खाइए, सब खाना पीना आपके पैकेज में पूरा इंक्लूडेड। भाई साहब अब ट्रिप ख़त्म होने जा रही है, आपसे मैं इतना ही कह सकता हूँ पैसा वसूल है। थोड़ा भारत गौरव में चीज़ें यहाँ वहाँ होती हैं, कभी होटल में दिक्कत आएगी कभी यहाँ, बट यस अगर आपको खाना पसंद है ना, हाँ सौम्य अगर आपको खाना पसंद है भाई साहब, चलिए लाजवाब एकदम गर्मा गर्म सौम्य एकदम। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी,
अनाउंसमेंट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। जम्मू तवी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई है हमारी टूरिस्ट स्पेशल, 1 नंबर पे खड़ी है राजधानी, कोड हो गया JAT और डिवीजन हो गया फिरोजपुर और जोन नॉर्दर्न रेलवे। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, यहाँ से जम्मू तवी से हावड़ा एक स्पेशल ट्रेन जाती है, अगर आपको उसका नाम पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा। और वो वाली ट्रेन जर्नी मैं कर चुका हूँ, कोड हो गया JAT, लगभग 10 मिनट का यहाँ पर हमारी ट्रेन को, टूरिस्ट ट्रेन को 00171 को 10 मिनट का स्टॉप यहाँ पर दिया गया। अगर आपको ये दिखाऊँ ये कौन सी खड़ी है, दिस इज सोमनाथ एक्सप्रेस, ये हो गई गुजरात सोमनाथ। क्या बात, एक बार हो जाए हर हर महादेव। भाई साहब ये है टूरिस्ट ट्रेन का मज़ा, जम्मू तवी आप देख लीजिएगा और वहाँ पर आप हमारी टूरिस्ट ट्रेन देख सकते हो। जम्मू तवी राजधानी अब तक मेरी पेंडिंग है, होपफुली बहुत जल्द करने को मिलेगा, लेट्स सी। बट सबसे अच्छी बात है अभी डिनर किया और थोड़ी वॉक हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। आई गेस सिग्नल दे दिया है, ये बहुत ज़रूरी है भाई साहब, वॉक करते जाइए। ये देखो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये हमारा कोच B2, देखो सबका लगभग डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब सोने की तैयारी है बस। सोमनाथ एक्सप्रेस का डिपार्चर हुआ, अब देखिए यहाँ से आप देख लीजिए राजधानी 12426 जम्मू तवी राजधानी का यहाँ से डिपार्चर होता हुआ A1 A2। आप देख डिपार्चर टाइम था 9:25, डिपार्चर हो रहा है करीब 9:30, 5 मिनट्स लेट। दिल्ली सुबह ये पहुँच जाएगी मेरे हिसाब से कुछ 6 बजे के आसपास। यहाँ पर आप देख लीजिए A3, एक इकलौती राजधानी, आई गेस देखो यहाँ चेन पुलिंग हो गई शायद राजधानी में, बहुत बढ़िया ये और होता है। देखो सिग्नल अभी देखो, अगर आप देखोगे स्टार्टअप सिग्नल दे रखा है, पीछे की तरफ आपका H1 हो गया। इकलौती राजधानी जहाँ तक मेरे को याद है जो शायद मेरी अभी पेंडिंग है, मैंने इसमें ट्रैवल नहीं किया अब पहले राजधानी के। यस RPF स्टाफ, चलिए इसमें हो गई चेन पुलिंग। अब जब तक इसका डिपार्चर नहीं होगा तब तक हमारी ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही खड़ी रहेगी। चेन पुलिंग हो गया भाई साहब, अब हो गया यहाँ पर काम। A3 को आई गेस A3 शायद इसी में कुछ कांड हुआ है। अब देखो कम से कम 15-20 मिनट यहाँ लगेंगे, अब हमारी ट्रेन यहीं खड़ी रहेगी भाई। यही होता है एक बार चेन पुलिंग हो जाए ना, कुछ नहीं कर सकते। पूरी राजधानी आप देख लीजिए यहाँ पर। कभी कभी आप किस्मत देखिए, एक ही स्टेशन पर आपको राजधानी देखने को मिलती है। सोमनाथ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब आ चुकी है। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ये भी दिल्ली पहुँचेगी सुबह कुछ 7:30 के आसपास। वहाँ पर आप 3 नंबर पे आप हमारी टूरिस्ट ट्रेन देख सकते हो। और अब देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लगाया जा रहा है 22477, ये हो गई दिल्ली कटरा वंदे भारत, जो दिल्ली से चलिए दोपहर को 3 बजे के आसपास और ये कटरा पहुँचेगी कुछ 11 बजे करीब। ये देखिए इस वाली मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, इनकेस अगर आप कटरा के लिए ट्रैवल प्लान बना रहे हो वंदे भारत चैनल पर व्लॉग लाइव है, आप देख सकते हो फुल वंदे भारत था 16 कोच वाली। ये देखिए चमचमाती वंदे भारत, यस मैन्युफैक्चरिंग है 2023। भाई ये होती है किस्मत, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि पूछिए मत, बिल्कुल आगे की तरफ आएगा C11। सोचिए एक साथ आपको इतनी प्रीमियम ट्रेन्स देखने को मिल रही है, भाई भगवान ही जा रहा है। हमारी ट्रेन का डिपार्चर यहाँ से कितने बजे होगा भगवान ही जाने। देखो C11 आप देख सकते हो 22477। आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग को ज़रा लाइक ज़रूर करते जाइएगा, चमचमाती देखिए आप भाई। वंदे भारत का तो मज़ा ही अलग है। ट्रेन हमारी यहाँ पर आ चुकी थी 9 बजे, फाइनली 10:30 10:30 जम्मू तवी से आप देख लीजिए प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हमारा डिपार्चर होता हुआ। अब आपको बता दूँ अब मैं सोने वाला हूँ, अब आपसे मेरी मुलाकात कल सुबह होगी। अब देखने वाली बात यही है कि भाई किस टाइम पर हमारी टूरिस्ट ट्रेन भारत गौरव चलती है, ठीक है ना। बस रात के 10:30 अब यहाँ सोने वाले हैं, अब मिलेंगे आपसे सीधा कल सुबह। दिस इज़ आई गेस Day 8, एक और रात भारत गौरव में। अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ Day 10 ऑफ उत्तर भारत गौरव यात्रा। हम पहुँचे हैं अम्बाला के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, हरियाणा का आपके लिए वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन। लगभग 300 ट्रेन यहाँ से एवरी डे आप मान लीजिए यहाँ से पास होती है। आप देखिए
सुबह का वक्त इट इज़ अराउंड 6:20। अब यहाँ पर हमारी ट्रेन के लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर को यहाँ पर अब चेंज किया जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट क्लास सफ़रनामा चलता हुआ, आज हो गया day 10 और कल हो गया day 11। तो ये इस तरह से 10 nights 11 days का टूर है। अगर आप देखो पैसेंजर नीचे उतरे हैं कुछ चाय वगैरह लेने के लिए, आई गेस थोड़े टाइम में हमारी ट्रेन में चाय वगैरह सर्व की जाएगी। स्टेशन की शुरुआत हुई करीब 1891 में और 2000 के आसपास इसको इलेक्ट्रिफाई किया गया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। यस अंकल जी चाय बराबर है? चाय ठीक है? यहाँ पर आप देख लो हमारी ट्रेन के ट्रेन मैनेजर यहाँ चेंज होते हुए। आज कुछ भी करने को नहीं है, आज पूरा दिन मानिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेन जर्नी है। शुरुआत की थी जम्मू कश्मीर आप कह लीजिए और अब पहुँचे हैं हरियाणा। अब लेट्स सी यहाँ से इस ट्रेन का आगे का क्या रूट रहेगा वो देखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने सोचा अम्बाला आपको दिखा दें, कोड हो गया UMB। आप देखो सुबह सुबह के इट इज़ 6:30 बज रहे हैं भाई। दिन की शुरुआत जब प्लेटफॉर्म से होती है ना मज़ा आता है। अभी सामने से कितनी शताब्दी आएंगी, कितनी वंदे भारत आएंगी, कितनी प्रीमियम ट्रेन्स सामने से आएंगी, एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। भाई मज़ा आ गया सच में, इतना ज़बरदस्त उत्तर भारत गौरव की यात्रा रही। सबसे बड़ी बात है यादें, इतनी यादें मैं साथ लेकर जा रहा हूँ। टाइम दिस इज़ अराउंड 8 o'clock और अब यहाँ पर आपको बता दूँ हमारा ब्रेकफास्ट देख लीजिए सर्व किया गया है। आज का मेन्यू हो गया ये आपका पोहा। प्लीज़ भारत गौरव में आपको एक सजेशन दे दूँ, साथ में आलू भुजिया ज़रूर कैरी करें। ये केचप आपको दिया गया है, ये बिस्किट्स वगैरह दिए गए थे सुबह और उसके संग आज ये वड़े दिए गए हैं। हाँ सर जी आज तो वड़े मिल गए, क्या बात है, आज तो मेन्यू कुछ इन्होंने अलग ही कर दिया। साथ में ब्रेड और बटर दे देते ना बस सोने पे सुहागा हो जाता। भारत गौरव में आलू भुजिया, भुजिया साथ में नमकीन कुछ ज़रूर कैरी करें। दिन की शुरुआत पोहे से हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ऑफिशियली चांसेस हैं कि हमारी ये लास्ट मील भारत गौरव की। आप पूछोगे भैया क्यों, क्योंकि हम पूरा आपको बता दूँ पूरे तक नहीं जा रहे। अब कहाँ तक जा रहे हैं आप वो व्लॉग देखिए, बिकॉज मुंबई पहुँचना है भैया। ये देखो ये हमारे दादा क्या लेके घूम रहे हैं, मस्त एकदम पोहा, सबको पोहा खिला रहे, चाय कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी जो हो भैया, हाँ चाय कॉफ़ी जो। अरे भैया नाश्ता तो हमारा चल रहा है फर्स्ट क्लास। दिन की शुरुआत इन नज़ारों के संग आपको दिखा दूँ फर्स्ट क्लास। देखिए मौसम भी बाहर अच्छा, यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट चलता हुआ, बड़ा दे दिया, मेन्यू बदलता रहे बस यही चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम पुणे तक नहीं जा रहे, मैंने दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट करा ली है। अगर आप स्टेशन आपको दिखा दूँ, हम उतर गए हैं तुगलकाबाद। यहाँ पर लोको पायलट प्लस ट्रेन मैनेजर को चेंज करना है, बट आप सोचिए प्लेटफॉर्म पर भी गाड़ी नहीं लगाई है, बीच में से उतरना पड़ा है। आपको पता ही है इंटरनेशनल जर्नी है भाई, मेरे को घर पहुँचना है जल्द से जल्द। ये पुणे पहुँचेगी कल सुबह करीब आई गेस 11-12 बजे, लेट्स सी ऑफिशियल टाइम तो 5 बजे का है। तो ट्रेन ये वाली सीरीज़ मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, व्लॉग नंबर 9 आप देख लीजिए तुगलकाबाद। देखो अभी भी रेड सिग्नल है यहाँ पर, मे बी 10 से 15 मिनट ट्रेन शायद यहाँ पर रुकेगी। सुबह के बज रहे हैं 11। अब यहाँ से फ्लाइट लेके हम चले आमची मुंबई में बाढ़ आई हुई है, आमची मुंबई बाढ़ आई हुई और फिर वहाँ से एक स्पेशल इंटरनेशनल जर्नी, इसलिए दिल्ली उतरना पड़ रहा है, ठीक है ना। दिस इज डोलेश, दिस इज सौम्या, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नी। थैंक यू सो मच। स्टाफ देख लीजिए ललित भाई हमारे संग सिक्योरिटी दादा मौजूद। भाई स्टाफ इतना हेल्पफुल है ना, देखो बारिश यहाँ चालू हो गई है, जहाँ जहाँ हम पहुँच रहे हैं सौम्या वहाँ वहाँ बूंद आ जाती है, ये अलग ही चल रहा है, ठीक है देख लीजिएगा। ठीक है बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और स्टेशन पर साफ सफाई ज़रूर बनाए रखें। यहाँ से फ्लाइट लेके जैसा आपको बताया हम चले मुंबई, ठीक है, मिलूँगा आपसे बहुत जल्द। इंटरनेशनल जर्नी याद रखिएगा आपके लिए ज़बरदस्त क्रूज व्लॉग्स देख लीजिए। अब लेट्स सी यहाँ से कितने बजे डिपार्चर होगा, ठीक है ना। ठा ठा